बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया केस आ गया है, सिर्फ एक दो एंट्री का डिफरेंस आएगा। जिस तरह रिबेट में सिर्फ एक एंट्री का डिफरेंस था, रिबेट में सिर्फ एक एंट्री का डिफरेंस था, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिर्फ एक एंट्री का डिफरेंस है। और इसका टॉपिक कहलाता है रीन्यूअल ऑफ बिल। अब मैं आपको बता दूं कि रीन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में रिबेट था कि ड्राई ने यानी बायर ने वक्त से पहले पैसे दे दिए, और आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कि किस तरह से हमने उसको रिबेट दिया 160 रुपये 12% एक माह के लिए। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि ड्राई जो है पेमेंट करने से पहले आ जाए, मगर आके पैसे ना दे बल्कि उल्टा रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए और मुझ पर एक मेहरबानी फरमाइए कि मैं आपको वक्ते मुकर्रा पर पैसे नहीं दे पाऊँगा, लिहाजा मेरा ये वाला जो बिल है ये कैंसिल करके ओल्ड बिल जो है मेरा जो मुझ पर अब बना हुआ है, जिसकी तारीख आज या कल या हफ्ते बाद आने वाली है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरा बिल कैंसिल कर दें यानी क्रॉस कर दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक माह या दो माह या तीन माह और दे दें ताकि मैं अपने पैसों का बंदोबस्त करके आपको दे दूँ। जब भी वो ऐसा कहे कि प्लीज़ रिन्यूअल ऑफ माई बिल एंड कैंसल द ओल्ड बिल, कि ब्राय मेहरबानी पुराना बिल कैंसिल करें और मुझ पर एक नया बिल जारी कर दें फॉर द न्यू पीरियड, एक नए अरसे के लिए, तो ऐसी सूरत में जो सेलर है उसे कबूल करना पड़ती है ये बात, और वो फिर पुराना बिल कैंसिल करता है। और पहले पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री होती है और उसके बाद इंटरेस्ट जो है, क्या इंटरेस्ट यानी सूद, उसे कहा जाता है कि भाई तुमने 1000 देना था, अब चूंकि तुमने अपनी कमिटमेंट अपना माहदा तोड़ा है, लिहाजा अब तुम ये करोगे कि हमें कुछ रकम तुम हमें इजाफी पे करोगे, कुछ रकम तुम हमें इजाफी अदा करोगे इंटरेस्ट की मद में, इंटरेस्ट के नाम से। तो वो उस पर भी एग्री हो जाता है ड्राई, क्योंकि उसका ही कसूर था, वो पीरियड ज़्यादा ले रहा है, अपना अरसा बढ़ा रहा है, तो इस वजह से वो ज़्यादा रकम देने पर भी रजामंद होगा और ज़्यादा रकम को इंटरेस्ट बोलेंगे। वो फिर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद एक नया बिल जारी हो जाता है, उसको एक नया अरसा मिल जाता है। तो देखेंगे कि जब रिन्यूअल ऑफ बिल आता है तो किस तरह से और क्या एंट्री की जाती है। आइए अब बाकायदा तौर पर बगैर कोई वक्त ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये तकरीबन आपका थर्ड टॉपिक चल रहा है, बल्कि आप कहें तो आप 6 टॉपिक आपका ये चल रहा है तकरीबन। क्लियर जी, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 1 जनवरी 2005 जाहिद सोल्ड गुड्स टू जाहिद फॉर ₹15,000। 1 जनवरी 2005 को शाहिद ने जाहिद को माल बेचा 15,000 रुपये का एंड ड्यू अ बिल फॉर 4 मंथ्स, और उस पर 4 महीनों का बिल जारी किया। जाहिद एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड इट टू शाहिद। जाहिद ने बिल को कबूल किया और वापस शाहिद को कर दिया। शाहिद गॉट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 15% पर एनम, और शाहिद ने उसे क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। तो यानी कि डिस्काउंट करवाया, तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट करवाने तक की एंट्री क्या है। ऑन मेच्योरिटी जाहिद वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू मीट हिज एक्सेप्टेंस। पहले ऊपर वाले पैराग्राफ तक मैं आपको कर दूं, बस ये मैं जरा देख लूं कि किस किस में एंट्रियां करनी है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शाहिद एंड जाहिद, सिर्फ शाहिद और जाहिद की किताबों में एंट्रीज करनी है। तो आइए शाहिद और जाहिद की किताबों में एंट्रियां करते हैं। इधर लिख लेते हैं शाहिद, और इधर लिख लेते हैं जाहिद। ये आगे शाहिद और जाहिद। 1/1/2005 को शाहिद ने जाहिद को माल बेचा है, जाहिद रैबिट और सेल्स क्रेडिट, जाहिद रैबिट और सेल्स क्रेडिट हो गया। अब जाहिद रैबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से हुआ, ये हुआ जी आपका अलग अलग 1500 रुपए से, 15,000 से।
और इसने खरीदा परचेजेस डेबिट और शाहिद क्रेडिट 15,000 से। क्लियर हो गया। अब इसने बिल जारी किया उसी डेट को, बिल रिसीवेबल डेबिट, जाहिद क्रेडिट, ठीक है 15,000 से। ये एंट्रियां आपको आती हैं, मैं फिर भी कर रहा हूं, शाहिद डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट 15,000 से सेम डेट को। फिर उसके बाद इसने बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट लिखा हुआ है, लिखा है जी जाहिद एक्सेप्टेड ओके, शाहिद गॉट इट डिस्काउंटेड बाय 15% पर, इसने डिस्काउंट करवा लिया बिल, कोई मसला नहीं है। अब देखते हैं 15% कितने माह का बिल है, ये भी देख लेते हैं। ये है जी 4 months बिल है, बिल्कुल ठीक 4 months, 4/12। आइए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाता है 750 रुपये डिस्काउंट है। अब 15,000 रुपये में से 750 जब निकल जाएंगे तो 19 ये आ जाएगा 14,250, सॉरी 14,250। और डिस्काउंट करने की एंट्री क्या होगी, आपको पता है बैंक डेबिट 14,250 से, डिस्काउंट भी डेबिट वो आएगा 750 से, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट आ जाएगा 15,000 से। बैंक डेबिट 14,250, डिस्काउंट डेबिट 750 और बिल रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, पूरे 15,000 से। अब आइए आगे क्या हुआ, आगे जब सेकंड पैराग्राफ में पढ़ने लगा हूं, सब लोग किताबों पर देखें दोबारा, बाद में नोट करिएगा। सेकेंड पैराग्राफ, ऑन मेच्योरिटी यानी वक्त मुकर्रा पर यानी 4 अप्रैल को, जाहिद वाज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट हिज एक्सेप्टेंस, जाहिद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पैसे अदा करे। ही अप्रोच्ड शाहिद एंड रिक्वेस्ट हिम टू कैंसल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ ऑन हिम अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट 3 months, ठीक है। ऑन मेच्योरिटी जाहिद इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिल अदा करे। ही अप्रोच्ड शाहिद, वो शाहिद के पास गया एंड रिक्वेस्ट हिम और उससे दरख्वास्त की टू कैंसल द ओल्ड बिल, के पुराना बिल क्या करो, कैंसिल कर दो। तो अब ये पुराने वाला बिल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी डिसनर हो जाएगा। मुकर्रा तारीख बनती है 4/4/2005। पुराना बिल जब डिसनर होगा तो शाहिद एंट्री करेगा जाहिद डेबिट 15,000 से, बैंक क्रेडिट 15,000 से, और ये एंट्री करेगा, इसने कोई कैंसिल करवाया है, ये एंट्री करेगा अपने इस बिल का उल्ट, बिल्स पेमेंट डेबिट और शाहिद क्रेडिट 15,000 से। यहां हम लिखेंगे ओल्ड बिल कैंसिल, ओल्ड बिल कैंसिल, भाई क्लियर है या नहीं क्लियर, कि उसके पास आया और उसने कहा यार प्लीज पुराना बिल कैंसिल कर दो, यानी डिसऑनर कर दो, मुस्तरद कर दो। तो जाहिर है बैंक क्रेडिट, बैंक इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा चुका है, उसके पास नहीं है, लिहाजा जाहिर डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। ये शाहिद ने एंट्री की और जाहिद ने एंट्री की बिल्स पेबल डेबिट और शाहिद क्रेडिट, यानी अपनी एंट्री का उल्ट कर दिया। अब आगे क्या हुआ, आगे फिर मैं पढ़ता हूं, ये कैंसिल तक पढ़ाए। एंड ड्रॉ हिम अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट 3 months। उसने कहा कि मुझ पर नया बिल जारी कर दो, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल कर लो, आप 12% इंटरेस्ट शामिल कर लो 3 माह के लिए। तो आइए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये देखें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 15,000 रुपये का बिल है, 12% इंटरेस्ट है 3 माह के लिए, 12 से कट गया और ये आ गया 15 × 3 = 45, 450 रुपये इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है, 450 रुपये इंटरेस्ट, यानी पहले तो उसने 15,000 देना था मगर अब जब नया बिल जारी होगा उसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल करके 15,450 रुपये से बिल जारी होगा, क्योंकि 15,000 तो ओल्ड बिल है ही है, मगर अब चूंकि उसने 3 माह मजीद अजाफा लिया है हमसे टाइम, तो इसलिए 450 रुपये उसको इंटरेस्ट भी देने होंगे। तो आइए देखते हैं कि बिल जारी करने की अब एंट्री क्या होगी। 4/4/2005 को बिल जारी हो गया नया, एंट्री हो गई बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,450 से, और शाहिद क्रेडिट
15,000 रुपए से, और इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, यानी जहाद के लिए इंटरेस्ट आमदनी है, क्योंकि वो ज्यादा रकम वसूल कर रहा है, तो एंट्री ये बन गई बिल रिसीवेबल डेबिट 15,450, यानी 15,000 बिल का 450 सूद, ये जो अभी मैंने इधर कैलकुलेट किया है। और शाहिद क्रेडिट एक्चुअली तो था वो 15,000 का, मगर इंटरेस्ट क्रेडिट अलग से किया ताकि हमें पता हो कि हम इससे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अब करेगा जाहिद बिल कबूल करने की एंट्री, तो बिल कबूल करने की एंट्री जाहिद करेगा शाहिद रैबिट, शाहिद रैबिट 15,000 से, और इंटरेस्ट इसको चार्ज किया जा रहा है एक्स्ट्रा, ये खर्चा है इसका 450 जो इजाफी रकम दे रहे हैं, और बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा 15,450 से। जनाब ये नया बिल जारी हो गया, बिल रिसीवेबल डेबिट, शाहिद क्रेडिट और इंटरेस्ट क्रेडिट, इसके लिए इंटरेस्ट आमदनी है शाहिद के लिए, क्योंकि ये कमा रहा है उससे इजाफी पैसे पीरियड देने के लिए, अरसा देने के लिए, और जाहिद जो है शाहिद को डेबिट करेगा 15,000 से, इंटरेस्ट को भी डेबिट करेगा क्योंकि ड्राई के लिए शाहिद के लिए ये इंटरेस्ट अजाफी रकम है जो उसे अदा करनी है, तो इसके लिए खर्चा है, इसलिए इसने इंटरेस्ट को डेबिट किया और बिल्स पेबल को क्रेडिट किया है। तो ये था जनाबे वाला, इसमें पुराना बिल कैंसिल होकर नया बिल जारी हो गया, जिसकी एंट्री आपने सीखी। आइए अब आगे क्या हुआ, शाहिद एग्री टू द प्रपोजल, शाहिद तो एग्री है तो इसलिए एंट्रियां हो गई। अब उसके बाद ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल जाहिद ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शाहिद एंड जाहिद, कहता ऑन द ड्यू डेट, अब तीन महीने बनते हैं अभी, और जून बनता है, जून का महीना बन रहा है, अप्रैल मई जून का महीना बन रहा है, तो इस सूरत में अब ये होगा कि लास्ट पे जाके जून के महीने की चार, जून का महीना, तीन महीने पूरे हो रहे हैं, जुलाई की चार को जाके पेमेंट हो गई है, कोई मसला नहीं है, जब जुलाई की चार को जाके पेमेंट हो गई है तो वो सिंपल पेमेंट की एंट्री कर दें, कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 15,450 रुपए, 15,450 रुपए ये पेमेंट कर हो गई है, ये है जून जुलाई की 4 तारीख को, 4/7/2005 जुलाई की, 3 माह बाद यानी चौथे महीने की 4 तारीख को, और इसने अदायगी की है 4/7/2005, इसने कर दी होगी बिल्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो ये 15,450 मैंने इस तरह तरह कंजस्टेड और तंग करके एंट्रियां कर रहा हूं कि कहीं नीचे ना चला जाए 15,450, और ये लास्ट एंट्री आपको आती भी है कि पेमेंट हो गई है, शाहिद ने एंट्री की है कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 15,450 से, जाहिद ने एंट्री की है बिल्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 15,450 से। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अपने इख्तिताम को जा पहुंचा, थैंक यू, खुदा हाफिज।